दोहा लगाते हैं, जवाहर राष्ट्रीय चंदा जागरण, ऐसे तमाम नेतागण इस कार्यक्रम में उपस्थित अभिभावक नौजवान साथियों का क्या होता है ये बुद्धिजीवी वकील डॉक्टर इंजीनियर लोग भी इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। सतराम भाई वो लोग समझने के काम कर रहे हैं कि नीलम का मतलब क्या होता है। जो हमारे राधाकरण बाबू का इस जिला ही में हर व्यक्ति को इधर में मदद करने का काम किया है, सामान देने का काम करते हैं। प्रत्याशी और सचन भी इस मैदान में लोग उतरेंगे निर्वाह के लिए, आपको रोजमार्ग बना करके और राजा के चमकता हुआ शहर के रूप में विकसित नौजवान साथियों को अभिभावकों को हम लोग शहीद उनको अभिनंदन करें। बहुत सजग व्यक्तियों को करना है कि हमको बहुमूल्य वक्त किसको देना है। यदि हम अपना बहुमूल्य वक्त हो यदि सही हम व्यक्ति को चुनाव नहीं करते हैं, यह दुर्गा सब भाई मीटिंग होगा। हम लोग हाथ जोड़ जोड़ करके मतलब बहनों का अभिभावकों को एक एक वोट को संग्रह करके आप लोग इनके सब भाइयों को मेरे तरफ से सलाम। जितने भाई मौजूद है चाहेंगे देखिए महिला सशक्तिकरण के सब लोग शाबाशी देते हैं और हमारा परिवार पूरा राजनीतिक पॉलिटिकल परिवार रहा है। खासकर मैंने जीवन में कभी जात पात से राजनीति में नहीं किया और चुनाव निगम का लड़ने का मैं नहीं लड़ रहा हूं, ना मेरी पत्नी अपने से चुनाव लड़ रही है। जितने आरा के प्रत्याशी लड़ रहे हैं और जिस विचारधारा और छवि के लोग लड़ रहे हैं उस परिस्थिति में चूंकि शहर के लोग हैं, चूंकि टाउन के लोग हैं, यहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं, डॉक्टर प्रोफेसर मास्टर रिटायर मास्टर आईएएस आईएएस आईपीएस रिटायर आईएएस आईपीएस इंजीनियर जजेज और सारे लोगों से, चूंकि हमारा परिवार करीब करीब 40-45 वर्षों से यहाँ रह रहा है और सभी लोगों से लगाव है। लोगों ने हमसे कहा कि हाकिम जी आप क्या करते हैं, तो मैंने कहा कि क्या कर देंगे, हमारा तो खेती राजनीति है, लोगों की सेवा करना। तो लोगों ने कहा कि जो चुनाव डायरेक्ट आया है और जो जो चुनाव में लोग लड़ रहे हैं आप देख रहे हैं, अखबार भी पढ़ रहे हैं रोज़ का रोज़, उस परिस्थिति में लोगों ने कहा कि आप चुनाव लड़िए हम आपके साथ हैं और आपके माध्यम से, और आप लोग चारों तरफ घूमने वाले मीडिया भाई पत्रकार हैं, आप लोग देखे होंगे कि हमारे समाज में चूंकि बारिश के चलते नहीं तो हजारों 2000 लोग आज मीटिंग में रहते हैं और हर एक तबका के हर प्रत्याशी लोग जब बात करता है तो आप जाइएगा तो कुछ जात की बात करता है कि हमारा समाज की इतना वोट है इतना हमारा समाज का है। मैं लेकिन मैं जात नहीं जमात का राजनीति किया हूँ और मैंने राजनीतिक जीवन में मैंने ठाणा हूँ और बड़हरा का जिला परिषद की हैसियत से मैंने 10 वर्ष जिला परिषद का मेंबर रहा हूँ, अध्यक्ष भी रहा हूँ और मैं दावे के साथ कहता हूँ आप लोग मीडिया भाई जिस दिन मेरे चरित्र पर बटा लग जाएगा मैं उस दिन डांड़ में घैला बांध कर डूबना मंजूर कर लूँगा, लेकिन अपने राजनीतिक चरित्र को बेदाग और दगदार नहीं बनने दूँगा। और राजनीतिक जो माहौल है नगर निगम का जो चुनाव है आप परिस्थिति देखते हैं, नगर निगम बना 2007 में और 2007 और 2022 15 साल में जस का तस और 5 साल 5 प्रत्याशी पूर्व में मेयर के चुनाव पद पर रहे हुए लोग लड़ रहे हैं। मैं भी एक साधारण पद पर जिला परिषद का अध्यक्ष रहा हूं, बड़हरा के लोगों की सेवा किया हूं, भोजपुर जिला के चाहे कहीं किसी बिरादरी के लोग हो आते हैं तो उसका पैरवी करता हूँ, सेवा करता हूँ और उसी के बदौलत मैंने महिला सीट होने के कारण मैंने अपने पत्नी भी मेरा सामाजिक, क्योंकि सामाजिक राजनीतिक जीवन के वाइफ या घर के माँ बहन जो भी होती हैं
वो भी राजनीतिक होती है, इसलिए कि हर प्रकार के लोग आते हैं तो उसको बनाना खिलाना, कोई सेवा कई प्रकार के होते हैं तो बनाना खिलाना होता है, चाय बना करके पिलाना, यानी किसी प्रकार का भेदभाव उस पर दिमागी टेंशन ना हो कि हमारे यहाँ 5 गो अतिथि आए हैं, तो ये सब हमारे परिवार का कर्तव्य बनता है। और मैंने ठाना हूँ कि आरा का विकास डेवलप के बारे में मैंने महापौर बनने के पहले ही मैं चैलेंज करता हूँ कि जो भी रहे हैं या लड़ने वाले हैं लड़ रहे हैं कोई हमारे सामने बहस कर ले, मैप आरा का मैप दिमाग में नक्शा बना ले कि क्या काम करना है। महापौर के नाते जब तक हम किसी से मांगेंगे नहीं तो कहीं मिलेगा नहीं। विकास का कई मायने होता है। मैंने जिला परिषद का अध्यक्ष रहा, मैंने भाई अभी 5-10 दिन पहले उपाध्यक्ष और अध्यक्ष से कहा कि मेरा फाइल मंगा करके पढ़िए, गहन करिए कि मैं कहाँ जा रहा था, अर्थव्यवस्था कहाँ गया, हम दूसरे पर आधारित क्यों रहेंगे, हमारा नगर निगम का जमीन है, हम डैम कहाँ बनाएंगे, हम साफ सफाई का कूड़ादान कहाँ देना है, हम सारे रोड का चौड़ीकरण, आप बताइए ना कि धोबी घाटावा से चले जाइए 0 माइल थी ओवरब्रिज होकर के पुलिस लाइन चनवा मोड़ होते हुए 95 फीट का रोड है, डिवाइडर देकर के रोड और नाली बनाने में कहीं आपको समस्या नहीं है। रोड का चौड़ीकरण हमारा मैप एक रहेगा कि स्वच्छ आ रहा सुंदर आ रहा, उसके केवल इस सब लोग नारा देते हैं लेकिन हमारा रहेगा कि हम ड्रेनेज कैसे दुरुस्त करें, ड्रेनेज को दुरुस्त करना है, हमें जो डैम पे जो कूड़ादान है कूड़ा निकल करके कूड़ा कहाँ हम डैम करेंगे उसको हटाना, रोड को चौड़ीकरण करना, और मिशन हमारा रहेगा कि रामना मैदान को पहले हम सेंटर बनाएंगे कि हमारा आरा का मुख्य सेंटर रामना मैदान आरा है और उसी पर हम काम करेंगे, क्योंकि रामना मैदान के अगल बगल रोज़ जिला से 226 पंचायत के लोग वहाँ आते हैं आपको रजिस्ट्री कराने, कोर्ट में कलेक्टरी में बच्चिन के पढ़ने, महिला कॉलेज है, महाराजा कॉलेज है, अब तो इंजीनियरिंग कॉलेज भी बन गया, जिला स्कूल है, जैन स्कूल है, नेमीचंद शास्त्री स्कूल है, तो उसको हमारा रहेगा कि नगर निगम के डेवलप, क्योंकि हम नेशनल हाईवे नहीं दुरुस्त करते हैं लेकिन हमारा जैसे धनुपरा है, धनुपरा से रिलायंस पेट्रोल पंप से 10 मिनट में कैसे हम रामना मैदान में जल्दी आ जाए, हम 0 माइल से 10 मिनट में रामना कैसे आ जाए, हम बाप वाली बड़का गांव से 10 मिनट में कैसे आ जाए, हम गांगी दौलतपुर के इधर जब हम आवे तो 10 मिनट में कैसे आ जाए, इस प्लानिंग के तहत हम काम करेंगे। और अब बताइए ना, सब शहर का पानी जाता है वार्ड नंबर 11 में, नाली का निर्माण कहीं से कहीं कहीं डिवर्ट नहीं होगा, और मैं वादा करता हूँ कि 6 महीना तो हमको सूझने बूझने, चूँकि जो इतना ना गंदा हुआ राजनीति हो गया वहाँ का कि उसको दुरुस्त करने में लगेगा, लेकिन 1-2 साल के बाद नगर निगम क्या होगा, अब चले ना ये नगर निगम का ऑफिस देख लीजिए, पहले तो मैं बनने के बाद कोशिश करूँगा, चाहे माननीय मुख्यमंत्री से मिलना हो या उप मुख्यमंत्री से मिलना हो या किसी डिपार्टमेंट के प्रधान सचिव से मिलना हो, हम चाहेंगे कि उस कार्यालय को ही हटा दें, क्योंकि नगर निगम के कार्यालय लायक नहीं है, नगर निगम के कार्यालय लायक नहीं है। और विकास का हम सारे पदाधिकारी, चूँकि हम जिला परिषद के अध्यक्ष थे तो लोग को याद होगा, कोई शिक्षा भी यहाँ होगा तो मैं क्षत्रिय स्कूल में पूरा जिला का उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापकों के साथ बैठक किए थे और मैंने कहा कि स्कूल की समस्या क्या है, और नगर निगम में पढ़ने वाले जो भी स्कूल है चाहे सड़कें हैं नाली है, मैं इस बरसात में तो नहीं, अभी छठ में तो नहीं भाई, अब तो छठ तुरंत ले आएगा, लेकिन अगला छठ के पहले वाकई में मिलेगा। हमारा कार्य करने का शैली अलग है, हम हर एक दुकानदारों के पास जो जहाँ जिलेबी का दुकान है, जहाँ सिंगड़ा का दुकान है, जहाँ चाय का दुकान है, वहाँ डस्टबिन देंगे, हम लोगों को जागृत करेंगे कि डस्टबिन में आप कचरा दीजिए। एक और सवाल था सर। Check the mic and make sure it sound right, boys.
चाय की दुनिया में शिव शक्ति परिवार 1965 से लाखों ग्राहकों की चाय से बेहतरीन सेवा करता आ रहा है। हमारे आपके लिए खास है ये चाय नहीं एहसास है। पीजिए खुशी से, पिलाइए खुशी से बंगाल गोल्ड चाय। तो इस बार सरकार ने एक अच्छा नियम निकाल दिया है कि हम जनता ही चल रही है, क्या इस बार नगर निगम से भ्रष्टाचार मुक्त होगा? बिल्कुल अच्छे आदमी का चुनाव होगा। मैंने तो एक बार आपसे कहा कि शहर बुद्धिजीवियों का शहर है, व्यापारी का शहर है, पढ़े लिखे लोगों की शहर है, सब लोग तुलना करते हैं। और एक चीज़ जान जाइए कि आरा के लोग जागरूक है, भ्रष्टाचारी को नहीं जिताएंगे, अपराधी को नहीं जिताएंगे। और आरा वासियों से मैं अपील करता हूँ कि आप निधड़क निर्भय होकर के गुलबंदी होइए और अपराधी को मुँह तोड़ जवाब दीजिए। अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को आरा में नहीं, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को महापौर में चयन नहीं होगा। और अपराधी प्रवृत्ति के लोग जो मनसा पाले हैं, मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि अस्थिर रहे, उस कुर्सी पर कुटराघात करने का कोशिश लोग न करें। ये अपराधियों का कुर्सी नहीं है। नगर निगम में स्वच्छ चरित्र के लोग अपने सभी प्रत्याशी को चुनेंगे। आप काफ़ी आश्वस्त दिख रहे हैं चुनाव को लेकर, जैसे कि आपने अपने बात में कहा कि अगली बार आऊँगा। कितना लगता है कि लोगों का आपके साथ समर्थन है, बहुत बड़ा वोटर भैया? आप अनून बन के देखिए, लड़ने वाला कोई हो, और मैं राजनीति में कई चुनाव लड़ा और जीता। मैंने विधानसभा भी निर्दलीय चुनाव लड़ा, मैंने भाप गया कि मेरे पक्ष में मतदान नहीं है, मैंने किसी मोहल्ले में वोट मांगने भी नहीं गया। लेकिन इस बार मैं दावे के साथ कहता हूँ कि नगर निगम में परिवर्तन होगा, अच्छा आदमी का चुनाव होगा। यही तो सच्चाई बात है भाई, कहने में हमको कहीं समझ, मैं तो स्पष्टवादी राजनीति करता हूँ। अरे महिला का वोट तो मेरे विचार और सिद्धांत पर मिलेगा, बड़े भाई के नाम पर मिलेगा, और हमारा परिवार का सेवा छोड़ करके कोई माई का लाल पैदा नहीं है कि आरा में कह देगा कि सेठ परिवार किसी को सताया है, किसी को बेईमानी किया हूँ। हमारे बड़े भाई भी MLC साहब है, कोई माई का लाल नहीं कह सकता है कि अपने 6 साल 7 साल के कार्यकाल में कोई 5 रुपया कमीशन लेता हो। और मैं अध्यक्ष भी रहा हूँ, कोई चैलेंज जो उस समय के पत्रकार मीडिया भाई जो लोग होंगे, पता लगा लीजिएगा कि मेरे चरित्र पर दाग नहीं रहा। हम लोग सेवा के भावना से राजनीति करते हैं, है राजनीति पैसा कमाना व्यापार है, व्यापार तो करते हैं, लेकिन लोगों की सेवा के भावना से हम लोग राजनीति करते हैं, न कि व्यापार के हिसाब से। राजनीति सेवा के भावना से होती है, व्यापार नहीं होता है। और नामांकन मैं 20 तारीख को 12 बजे दिन में रीगल होटल के सामने कांग्रेस मैदान से सभी हमारे समर्थक लोग जुटेंगे और हमारी पत्नी जाकर के नामांकन करेगी। चेक द माइक एंड मेक श्योर इट साउंड राइट बॉयज। चाय की दुनिया में शिव शक्ति परिवार 1965 से लाखों ग्राहकों की चाय से बेहतरीन सेवा करता आ रहा है। हमारे आपके लिए खास है ये चाय नहीं एहसास है। पीजिए खुशी से, पिलाइए खुशी से बंगाल गोल्ड चाय।